तो दोस्तों आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल पे टेक्निकल पेंडा पे। और दोस्तों आज मैं इतना खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। एक वो दिन था जब पहला वीडियो डाला था और मेरे पास शब्द तो थे पर मैं उसको कह नहीं पा रहा था, और आज के दिन इतना ज़्यादा खुश हूँ कि उस खुशी में मेरे अंदर शब्द हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। उसका रीज़न ही बताऊँगा। आप लोगों के प्यार और हमारी मेहनत की वजह से हमारे इस YouTube टेक्निकल पांडा परिवार की जो पहली अर्निंग है, यानी कहने का मतलब यह है कि YouTube का पहला पेमेंट आ चुका है दोस्तों, और इस खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था तो ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, और आज तो ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नए अगर आए हैं चैनल पे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और मुझे मोटिवेट करना, और आप खुद भी मोटिवेट हो मैं चाहूँगा। और आज बात करेंगे कि कितना दिन लगा मुझे अपने YouTube का पहला पेमेंट लेने में, क्या क्या मुसीबतें आईं और कितनी पहली पेमेंट आई है, तो आइए फिर देखते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद इस घंटे को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें शेयर बटन पे क्लिक करके। दोस्तों इससे पहले मेरा एक और चैनल था टेक फॉर हिंदी करके, और वो पिछले साल यानी कि 2017 में अक्टूबर और सितंबर के आसपास में वो चैनल बंद हो गया। टेक फॉर हिंदी पे ऑलमोस्ट $70 के आसपास हो गए थे और 10,000 सब्सक्राइबर, और यूट्यूब ने उसका एडसेंस परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिया, तो इस चैनल को मैंने बनाया और इस पर मैं तब से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15 लाख व्यू हैं और ऑलमोस्ट 15,000 सब्सक्राइबर भी हैं, तो काफ़ी खुशी है मुझे इस बात की कि आज मेरा YouTube का पहला पेमेंट आ चुका है। और मैंने अपने पापा को बताया तो उन्हें भी वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि पहला पेमेंट आ चुका है, तो आप सभी को भी मैं बताऊंगा कि पहला पेमेंट कितना आया है। और दोस्तों अगर आपका भी YouTube चैनल है, नए हैं, तो YouTube पे आप आइए, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ, लेकिन अपना कंटेंट बनाइए, उसे अपलोड करिए। किसी भी कैटेगरी में आप अपलोड कर सकते हैं, टेक्निकल, फूड, कुकिंग, कॉमेडी, किसी में भी आप जाइए, अपना कंटेंट रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। पहली चीज़ कि आप कॉन्टिन्यूस मेहनत करते रहिए अपने कंटेंट बना के, और दूसरी चीज़ कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं अपनी बात कर लेता हूँ तो मैं रोज़ इस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। दरअसल हर महीने की 3 तारीख को यूट्यूब जो है वो आपका पेमेंट डिक्लेयर कर देता है, और वो पेमेंट जो 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को पे आउट कर दिया जाता है एडसेंस के द्वारा, और 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो मेरी आप यहाँ पेमेंट देख सकते हैं, 21 तारीख को पे आउट कर दिया गया था, और मात्र 23 तारीख को ही अगले दिन 2 बजे के आसपास वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई। अब ये पेमेंट कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे अकाउंट में $70 के आसपास थे तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से जाके सारा डिटेल्स लेके एडसेंस में फिलअप कर दिया था, और वहाँ से वायर ट्रांसफ़र के थ्रू ये पेमेंट जो है आ गया। दोस्तों आप सभी से एक राय लेना चाहूँगा कि ये जो भी पेमेंट आई है इसका मैं क्या करूँ। जो मैंने सोच रखा है मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं सोच रहा था कि इससे एक फ़ोन अपने पापा को गिफ्ट कर दूं आधे पैसे में, और आधा पैसा अपने स्टूडियो सेटअप के लिए लगा दूं, क्योंकि मेरा स्टूडियो सेटअप कुछ खास नहीं है, और आधे का आधा मैं कुछ गिव अवे कर दूं। ये 3 सवाल हैं जो मैंने सोच रखे हैं, आप लोग बताइए मैं क्या करूं, या आप लोग अगर कुछ और राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस यूट्यूब की अर्निंग मुझे मिलने में तकरीबन 12 महीने का समय लग गया। अक्टूबर सितंबर में मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, और अक्टूबर में ये मुझे पेमेंट मिल चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 तारीख को पेमेंट डिक्लेयर हुआ था और मेरे अकाउंट में 23 तारीख को पेमेंट तकरीबन 7,700 रुपये जो हैं वो आए हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 163 वीडियो डालने के बाद मुझे मेरा पहला यूट्यूब पेमेंट मिला है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।